हाँ तिवारी। हाँ सर, ये ड्रीम पे बात हो रही थी तो एक चीज ये भी होती है कि कई बार हम लोग जो अगल फ्यूचर की चीजें होती हैं, जैसे मतलब जो कल होने वाला है, वो भी हम लोग सपने में देख लेते हैं। और मतलब इसी में मूवी में जो भी हम लोगों ने देखी थी, उसमें भी एक जगह पे ये कॉन्सेप्ट था कि हर सेकेंड हमारा ब्रेन करीबन 400 बिलियन बिट रिसीव करता है, जिसमें से सिर्फ हम 2000 बिट को डिकोड कर पाते हैं। तो क्या बिल्कुल मतलब ये चीजें आपस में रिलेटेड हैं किसी तरीके से, कि हमें रिलेटेड है, फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिल जाती रिलेटेड है? है। और जो लोग हैबिचुअल इस तरीके के ड्रीमर्स होते हैं, इनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, मूवी तक बन चुकी है हमारे जमाने में। तुम लोग के जमाने में तो बहुत अच्छी अच्छी बनी है। इसमें ऐसे होता है कि उसको जो है फ्यूचर दिखता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और फ्यूचर में एक एक चीज जो होने वाली होती है वो उसको बहुत बिट्स एंड पीसेस में दिखती है, लेकिन वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाती। तो जब होता है तो फिर उसको समझना आता है कि अच्छा ये हुआ है, अब इसके बाद ये हो सकता है, एंड सो ऑन। एंड इट वॉज वेरी वेल मेड। और ये मुझे भी हुआ है, मैं वहां पे एक जगह पे पहुंचा और वहां पे पहुंचते साथ मुझे लगा कि ये तो मैं सारी चीजें जानता हूँ, ये मैंने देखा हुआ ये वाला प्लेस, जबकि मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम तक वहां पे कभी नहीं गया था। और एक एक चीज जो मैंने सोची या जिस तरीके से मैंने देखा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये यहाँ पे ऐसे होगा, ये बैडमिंटन कोर्ट के यहाँ साइड में ऐसा होगा, एंड सो ऑन, एवरीथिंग एक्चुअली बिकेम द सेम। तो मुझे बड़ा देजा वू टाइप का, या हमारे उसकी भाषा में देजा चू होता है, तो ऐसे वाले जो है एक्सपीरियंसेस हुए। हाँ फुकरे में देख रहे हो, गर्ग साहब तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं। तो हाँ, ये सोर्स कोड एज ऑफ टुमारो में भी जो है इस तरीके की बातें की गई हैं। तो ऐसा होता है, और वही है कि क्योंकि हम बहुत बार बहुत सारी चीजों को सोच पा रहे होते हैं या कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो दिखता है। हाँ अच्छा, एक चीज और भी समझना, ये कोई तुमने बड़ा काम नहीं किया अगर तुमने फ्यूचर देख लिया, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि तुम बहुत सारी और भी चीजें देखते हो जो कि फ्यूचर से कहीं दूर दूर तक रिलेटेड नहीं होती। तो जैसे कि मैंने कोई चीज देखी हूँ, कनेक्ट कर पाए या कनेक्ट हुआ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कि क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी तो हुई। जैसे कि सपोज अभी मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलता हूँ कि जैसे तुम्हारी क्लास में तुमने पूछा कि अच्छा सर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में क्या होने वाला है, आप अपनी जरा प्रेडिक्शन बताओ, तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। और जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा देखिए 18 दिसंबर को जो है मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था। तो इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं हम, तो हमारा दिमाग भी करता है। और होता है कभी कभार कि हम कुछ चीजों को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि वो वैसे एग्जिस्ट भी हो जाती है। तो इट्स जस्ट क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, कोएग्जिस्टेंस, या इट जस्ट हैपेंड दैट वे रादर देन कि मतलब मेरे में कोई एक्सेप्शनल पावर है, और अगर मेरे में है तो किसी में भी है ना। ये चीज भी हम सभी कुछ ना कुछ करते हैं, कनेक्ट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो चीजें हैं।